देखिए, जनरल नॉलेज में बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है मैप्स का। तो वर्ल्ड मैप्स सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, और आपको इन कंट्रीज़ की बहुत डिटेल भी बताता जाऊँगा। ये आ जाए साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील। साउथ अमेरिका की 51% पॉपुलेशन भी ब्राज़ील में, सबसे बड़ा एरिया भी ब्राज़ील का है। लेकिन ब्राज़ील का एरिया बहुत बड़ा है, जितना इस मैप में उसमें नहीं। एक्चुअली सबसे अहम बात तो यही मुझे आज बतानी है कि जो वर्ल्ड का मैप बना है वो बहुत गलत बना हुआ है। बहुत बड़े अब इस पे क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। जैसे कि ये देखें, ग्रीनलैंड बहुत बड़ा बना है जबकि ग्रीनलैंड हकीकत में इससे कहीं छोटा है। मैक्सिको अमेरिका की रियासत अलास्का से डबल क्या ट्रिपल है। इसी तरह अफ्रीका जो इतना छोटा दिखाते हैं ये बहुत बड़ा है। रशियन फेडरेशन जो इतनी बड़ी दिखा रहे हैं आधी दुनिया, ये इससे बहुत छोटी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील से बहुत छोटा है, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा है। तो सब बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। एक्चुअली इशू ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जानबूझ के कुछ मैप्स में गलत एयर फेयर की थी अपनी डोमिनेशन दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, एशियन अफ्रीकन मॉल बहुत छोटे हैं। और अब इस पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं इस मैप के साइज़ के। हाँ, डायरेक्शन वही है तो आप टेंशन ना लें, हम तो बेसिकली डायरेक्शन को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं। और मैं आपको असल मैप भी बता रहा हूँ कि भाई असल साइज़ इसका क्या है। तो ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, या पुर्तगाली बोली जाती है, और बाकी जो साउथ अमेरिका उसमें स्पेनिश बोली जाती है। लेकिन चूँकि 51% पॉपुलेशन ब्राज़ील में, इसलिए सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका की जो ज़ुबान है वो कौन सी हो गई, पुर्तगाली। री डी जिनारियो यहाँ बड़ा खूबसूरत शहर है, जहाँ लास्ट ओलंपिक भी हुए थे, और कलरफुल सिटी है। हर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कलर की है वहाँ पे, हर घर में यानी वहाँ डिफरेंट कलर होता है, कोई पिंक कलर का गर्ल, कोई ऑरेंज कलर का। साओ पालो सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन के लिहाज से। और मेरे भाई, ब्राज़ील में अमेजन जंगल है, दुनिया का सबसे ख़तरनाक, और दुनिया का दूसरा बड़ा रिवर अमेजन भी यहाँ साउथ अमेरिका में ही बहता है। एक साइड पे हैं आदमखोरों के कबाइल भी हैं, जो के बेसिकली सिया नेवले की पूजा करते हैं, जिसको शाकी कहा जाता है। साउथ अमेरिका का सबसे पावरफुल मुल्क भी ब्राज़ील है, और दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से भी पाँचवें नंबर पे, एरिए के लिहाज से भी पाँचवें नंबर पे। फुटबॉल के भी दिलचस्प बात ही, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप ही जीते हुए। मेरे भाई, कर्जा बहुत है इन पे, लेकिन इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ब्राज़ील के बाद दूसरी बड़ी कंट्री ये अर्जेंटीना, ठीक है जी, ब्यूनस आयरस जिसका कैपिटल है। और ये अर्जेंटीना का एक जजीरा है जिसे को फॉकलैंड कहते हैं। 1982 में इंग्लैंड की और अर्जेंटीना की जंग भी हुई थी, क्योंकि फॉकलैंड पे कब्ज़ा किसका है, इंग्लैंड का। कहाँ पे देखें, यूनाइटेड किंगडम है, और कहाँ करके इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। फॉकलैंड का कैपिटल स्टेनले। फॉकलैंड के बराबर में ही कंट्री है चाइल्ड, जिसका कैपिटल सेंटियागो है, जिसे हम उर्दू में चिल्ली कहते हैं। यहाँ देखिए यूरोगोए है, मोंटीवीडियो जिसका कैपिटल है। पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप यूरोगोए ने ही जीता था, और यूरोगोए में हुआ था। फिर ये पैराग्वे जिसका कैपिटल एसेंशन है। बोलीविया जिसका कैपिटल लापास, दुनिया का ऊँचा तरीन कैपिटल है। आपको बताऊँ, बोलीविया का ये हिस्सा चाइल्ड ने इनसे छीना है, ठीक है मेरे भाई, वरना बोलीविया का समंदर था। आज भी बोलीविया एक वाहिद कंट्री है जो कि लैंडलॉक होने के बावजूद नेवी रखती है, क्योंकि इनका एक दिन बिलीव है कि हम अपना हिस्सा हासिल कर लेंगे, तो इन्होंने अपनी नेवी ख़त्म नहीं की है। ये पीरो है जिसका कैपिटल लीमा है। ये इक्वेटर है जिसका कैपिटल क्वेटो है। कोलंबिया जिसका कैपिटल बोकोता है। वेनेजुएला बड़ी ऑयल रिच कंट्री है, ओपेक का मेंबर है। ग्राकस इसका कैपिटल है। यहाँ के जो पुराने प्रेसिडेंट थे होको चावेस, वो तो अमेरिका के बहुत ही अगेंस्ट थे। गयाना, सरीनाम, फ्रेंच गयाना, ये तीन छोटी छोटी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। इन तमाम कंट्रीज़ में जो बोली जाने वाली ज़ुबान है स्पेनिश है। साउथ अमेरिका के अगर आप वेस्ट में देखें तो साउथ पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट में देखें तो साउथ अटलांटिक ओशियन है। बिल्कुल साउथ में साउथ ओशियन कहलाता है, और नॉर्थ में ये सेंट्रल अमेरिका, जिसके अंदर ये कैरिबियन यानी वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। वेस्ट इंडीज़ कोई एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे क्रिकेट मुल्कों ने अपनी मिलकर टीम बनाई हुई है, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। मेरे भाई, जहन में रखिएगा ये बात। तो ये फ़िलहाल मैंने अभी जो आपको बताई है बात, साउथ अमेरिका की बताई है, ठीक है जी। अब अगला पार्ट मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ अमेरिका का। थैंक्स।